पहला स्तंभ आत्मा का स्तंभ है मस्सी जीवन में यदि आपको मजबूत बने रहना है तो आपके जीवन में आत्मा का होना जरूरी है और आत्मा का स्तंभ इसमें मैंने बहुत ज्यादा बारकाई से नहीं लेकिन पंद्रह अध्याय अब तक मैंने सिखाए हैं और अब मैं अंतिम चरणों में मैं पहुंचा हुआ हूं और ये अंतिम चरण है और उसके बाद हम अगले स्तंभ की तरफ रुख मोड़ेंगे लेकिन इस वक्त इस वक्त सोलह अध्याय आत्मा और क्या क्या करता है पिछली बार मैंने आत्मा के काम आपको बताए लेकिन आत्मा और क्या करता है इसको मैंने पूरे एक अध्याय मैंने मैंने इसको दिया है अध्याय सोलह आत्मा क्या करता है और आज का शीर्षक मैं आपको बता रहा हूँ और इस पे चंद संदर्भ हम देखकर उसको समझने की कोशिश करेंगे आज का शीर्षक ही यह एक पॉइंट है आज का शीर्षक ही एक पॉइंट है आत्मा क्या करता है आइए यौन्ना समाचार उसका छठवा अध्याय और साठ से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि प्रभु क्या कहना चाहता है आत्मा के बारे में हम देख रहे हैं यह सुनकर यीशु के अनेक चेलों ने कहा यह शिक्षा कठिन है इसे कौन सुन सकता है ऐसी बहुत सारी बातें हैं शिक्षा है, है डॉक्टर हैं यीशु की सोच है विचारधारा थी जिसको लोग सुन नहीं पाए स्वीकार नहीं कर पाए और यह सुनकर यीशु के चेलों ने कहा खुद चेले शिष्य जो तो यीशु के साथ बैठ रहे हैं यीशु के इर्द गिर्द बैठ रहे हैं और 2400 घंटे यीशु के साथ रह रहे हैं वे ये कहने लगे कि ये यीशु जो भी कुछ सिखा रहा है वो कठिन है आइए रोटी के बारे में यीशु ने वहां कहा था और इसी कहानी को अब आगे हम लेकर जा रहे हैं रोटी का जिक्र यीशु ने कहा और यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं और फिर आत्मा क्या है यह ये भी यीशु ने यहां प्रकट कर दिया और रोटी वाली एक कहानी रोटी वाली एक किस्सा एक प्रचार एक टीचिंग सुनकर चेले कह रहे हैं कि शिक्षा कठिन है और इसको सुन पाना इस पर चलना ये कठिन बात समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है और मेरे भाई मेरी बहन कई बार प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं सुनते हैं सीखते हैं और जो पसंद आए उसको ले लेते हैं लेकिन ऐसी कई बातें हैं जिसको कर पाना कठिन है यदि आपसे कहा जाए कि आपकी सारी संपत्ति आप गरीबों को बेच दो या दे दो या किसी चर्च में डोनेट कर दो ताकि खुदा के काम में इस्तेमाल की जाए और आप प्रभु के सेविकाइश शुरू कर दो तो आप इसको नहीं कर पाओगे कठिन शिक्षा है यदि आपसे कहा जाएगा कि आपके माँ बाप छोड़ दो जैसे यीशु ने कहा कौन मेरे माँ कौन मेरे भाई मेरी बहन वही जो प्रभु का कलाम सुनते वही मेरे माँ मेरे भाई मेरी बहन यदि आपसे कहा जाए तो आप उसको नहीं कर पाओगे कठिन बातें हैं मुश्किल बातें हैं अली शाह ने अपना हल बैल जमीन माँ बाप को छोड़ दिया और एले के पीछे हो लिया कठिन कठिन शिक्षा है और किसे पसंद आएगा कि जाकर सीधा राजा को उनके विरुद्ध में भविष्यवाणिया करो उनके विरुद्ध में बात करो और राजा तो आपके जान के पीछे पड़ जाएगा और चलो के जैसे जाओ और सुसमाचार सुनाओ लोग अलग अलग धर्म के अलग अलग उनका विश्वास है उसके विरुद्ध में जाकर यीशु मसीह का कलम बताओ तो लोग तो आपके पीछे पड़ जाएंगे ना तो ये कठिन बातें हैं तो कई शिक्षाएं इतनी कठिन है कि इस पर चलना लगभग नामुमकिन लगता कुछ लोगों के लिए और यीशु के चेलों ने जीवन की रोटी वाली शिक्षा को सुना और कहा कठिन है इसको कौन सुन सकता है जब यीशु कह रहे थे हाय यरूशलेम हाय तुम पर ये वो हाय जब बोल रहे हैं हाय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और सांपों के पिल्लों बच्चों वगैरह जो भी बातें यीशु मसीह ने कहा यह कठिन है कौन सुन सकता किसी को सुनना अच्छा नहीं लगेगा मैं कई बार कड़क प्रचार करता हूं बहुत कम लोग सुन पाते हैं मान जाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन यीशु ने अपने आप को नहीं बदला लेकिन यीशु ने यही अपेक्षा की कि सामने वाला व्यक्ति बदलना चाहिए और मैं भी यीशु मसीह का अनुयायी मैं भी ना बदलने वाला और मैं चाहूंगा कि आप बदले सुनिए यीशु अपने मन में यह जान लिया कि मेरे चेले आपस आप में इस बात पर कुड़कुड़ा रहे हैं यीशु ने उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है और फिर सुनिए आपको इसके पहले वाला भी भाग अध्याय पूरा पढ़ लीजिए तो बेहतर होगा हम सिक्सटी टू पढ़ रहे हैं। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तब तो तुम्हारा क्या होगा यदि तुम मनुष्य के पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते हुए देखोगे जो वह जाने वाला था जो ये वचन पूरा होने वाला था हम योन्ना के अध्याय पर हैं शुरुआती मिनिस्ट्री में हैं आगे तो बहुत कुछ होना है और यीशु अपने जाने की बात कर रहे हैं और यीशु कहते हैं यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तब तुम्हारा क्या होगा अब ध्यान से सुनिये थ्री यह मेरी मुख्य आयत है आत्मा जीवन दायक है हेलो ध्यान से सुनिए यीशु ने अपने ऊपर जाने की बात रख दी यीशु ने कहा कि तुम्हें यह बात कठिन लग रही है लेकिन यदि अगर तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते हुए देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा और ये यीशु क्यों कह रहे हैं क्योंकि हकीकत में ये होने वाला था तो इसका मतलब यीशु मसीह के जाने के बाद क्या मिनिस्टर रुक जाएगी क्या आप काम रुक जाएगा वो आश्चर्यकर्म जो हो रहे थे क्या वो रुक जाएंगे क्या उद्धार जो लोगों को मिल रहा था या आगे मिलने वाला था क्या वो रुक जाएगा और मेरे भाई मेरी बहन यीशु मसीह इसी का जवाब दे रहे हैं कई बार हम इमोशनल अटैच हो जाते हैं और हम चाहते कि यीशु अब कहीं ना जाएं कई बार मेरे साथ काम करने वाले लोग मेरे पास्टर्स मेरे लीडर्स नहीं नहीं पास्टर आप हमारे साथ होने चाहिए नहीं पास्टर आप नहीं आएंगे तो फिर हम नहीं आएंगे लेकिन मैं आज आपको मैच्योर बनाना चाहता हूं मैं आज आपको प्रौढ़ बनाना चाहता हूं और मित्रों इस बात को समझना पड़ेगा कि जब आप यीशु मसीह में बढ़ रहे हो तो कुछ हकीकत है और जब जब चेलों के साथ यीशु मसीह बात कर रहे थे चेलों ने यह मान लिया था कि यीशु उनके साथ रहेंगे और यही जीवन चलता रहेगा मिनिस्ट्री मजबूती के साथ चलती रहेगी यहाँ यीशु जाएंगे प्रचार करेंगे और लोगों का उद्धार होगा हम यीशु मसीह के साथ साथ रहेंगे यीशु जाएंगे और पांच हजार को खाना खिलाएंगे हम थोड़ा सा खाना बांट दे

आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं मेरे भाई मेरी बहन यह बुलाहट नहीं थी वही काम वही चिन्ह चमत्कार वही आश्चर्य उद्धार का काम वही दुष्ट आत्माओं को निकालना वही लोगों के विश्वास को बदलना और उन्हें यीशु मसीह के पीछे लेकर आना यह काम चेले करे और मेरे भाई मेरी बहन, चेले क्या यह काम आपको और मुझे करने के लिए प्रभु ने इस पृथ्वी पर रखा हुआ है और यह कैसे संभव है और कई बार हम सोचते कि प्रभु आप कहीं नहीं जाइए और मेरे भाई मेरी बहन कह रहे हम दो साल के बाद बात कर रहे हैं। दो 2000 साल कि पहले जब यीशु थे तो चेलों के लिए बहुत डिफिकल्ट था यह बहुत मुश्किल था उन्होंने कहा यीशु आप कहीं नहीं जाएंगे और फिर यीशु ने कहा नहीं जब तुम मुझे ऊपर जाते हुए देखोगे तब तो तुम्हारा क्या होगा और यीशु ने आगे होने वाली बात प्रकट कर दी और यीशु ने कहा कि आत्मा जीवनदायक है कोई है जो कहेगा हमें शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर होने के बाद यीशु आत्मा की बात कर रहे हैं आज हमें आत्मा के महत्व को समझना पड़ेगा शायद आज की तारीख में 2020 में जब मैं यह शूट कर रहा हूं आप इसको बाद में भी सुनेंगे शायद आज की तारीख में ये आसान है क्योंकि हमने यीशु को फिजिकली शारीरिक रूप में देखा ही नहीं है तो हम तो यीशु को और उसकी आत्मा को शायद बहुत आसानी से स्वीकार कर ले बहुत सारे लोग नहीं करते आज वो बात अलग है लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं लेकिन सोचिए है, 2000 साल पहले यीशु को शारीरिक रूप में ये चेले देख रहे थे अब उनसे कहा जा रहा है कि यीशु जा रहे हैं यीशु जाएंगे जो येशु ने छठवा अध्याय में जीवन की रोटी वाली बात कहकर बहुत सारी बातें उसने बताई और फिर चेले ने कहा शिक्षा कठिन है अब सोचिए उनके लिए कितना मुश्किल था उनके मनों की तैयारी कर रहे हैं और ना केवल मनो की तैयारी कर रहे हैं उनको यह बता रहे हैं कि भैया मैं तो शरीर हूं मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हारा क्या होगा और फ्री प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं होगा आत्मा जीवन दायक है कोई है जो कहेगा अमेन आत्मा जीवन दायक है मैं जा रहा हूं लेकिन मैं मेरी आत्मा तुम्हें दूंगा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा बाद में यीशु मसीह ने ये सारे वचन जो हम लोग मैं आपको बता रहा हूं यमुना चौदह अध्याय में आप उसको पढ़ोगे आप उसको देखोगे आपने देखा भी आपने उसको पढ़ा भी फोर्टीन चैप्टर अब तो आपको चैप्टर्स याद हो गए होंगे यदि आप सारे एपिसोड बराबर से देख रहे हैं तो तो चौदह अध्याय में यीशु मसीह ने सारी बातें कही कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा वो सत्य का आत्मा दूंगा वो तुम्हें पापों का वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाएगा छह सात आठ सारे बातें हम लोग डीप में हम गहराई में सीख चुके हैं लेकिन हम छठवें अध्याय की बात कर रहे हैं सोलह चौदह अध्याय के बहुत पहले छठवें अध्याय में येश मसीह ने क्या कहा यशु मसीह ने कहा कि आत्मा जीवनदायक है मैं जाऊंगा तुम्हारा क्या होगा इसके लिए आत्मा का जिक्र यु ने वहां पर छेड़ दिया और कहा आत्मा जीवनदायक है यही हमारे चैप्टर का आज नाम है चैप्टर सिक्सटीन की आत्मा जीवन देता है कोई है जो कहेगा अमेना कोई है जो कहेगा हाली लोया आत्मा जीवन देता है चेलों ने यीशु को काम करते हुए आश्चर्य करते हुए लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हुए काना गांव में उन्होंने अभी अभी और पानी का दाखरस होते हुए देखा और न जाना उसके बाद इस पहले चमत्कार के बाद बहुत सारे चिन्ह चमत्कार अब तक तो अध्याय हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे काम हो चुके हैं लेकिन मेरे भाई मेरी बहन सामरी औरत वगैरह ये सारी कहानियां आप देख चुके हैं लेकिन यशु मसीह अब उनको आगे की बातों के प्रिपेयर कर रहे हैं उनको टीचिंग दे रहे हैं जो कठिन शिक्षा थी और प्रकट कर दिया कि स्पिरिट ये इतना इंपॉर्टेंट है।, है, तो है।, 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 है, है और मेरे भाई मेरी बहन आज मैं भी आपको तेजन देना चाहता हूं आपको इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा खुद यीशु मसीह शारीरिक रूप में होने के बावजूद आने वाली पीढ़ी के लिए अपने साथ अपने समय के लोगों के लिए चेलों के लिए कह रहे हैं कि आत्मा जीवन दायक है तो आप और मैं इसे कितना गंभीरता से लेना के लिए, लिए रक्त तो साक्ष बनने के काम होंगे खुदा के लिए अपने मोहल्ले में अपने शहर में खड़े होने वाले काम होंगे चाहे लोग आपके विरुद्ध में क्यों ना चले जाए मेरे भाई मेरी बहन आपको ऐसा जीवन यीशु देना चाहता और यह जीवन आपको तभी मिलेगा जब आप में आत्मा है आत्मा जीवन है एक ऐसा जीवन जो विक्टोरियस लाइफ है विजयशाली जीवन है कोई है जो कहेगा अमेन जिसमें हार नहीं है और यह जीवन कैसे मिलेगा मालूम आत्मा आत्मा जीवन देता है कोई है जो कहेगा अमीन आगे भी मैं आपको लेकर जाऊं लिखा है लेखा है यीशु मसीह ने कहा आत्मा जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं है यीशु शरीर में थे और लोग बॉडी में विश्वास कर रहे हैं यू नो कई जगह पर दरगाहों पर आप देखोगे ये बॉडी जहां पर है वहां कब्र बना दी लोग वहीं चिदर चढ़ा रहे हैं खुद यीशु मसीह की जो कब्र है खैर हमारा तो छोड़िए विश्वासियों को छोड़िए लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उस कब्रों को उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि अरे यीशु मसीह की ये कब्र है हालांकि वो कब्र खाली है लेकिन अरे जीसस क्राइस्ट की कब्र है लेकिन आप जाओगे दरगाह पर आप जाओगे किसी ऐसी जगह पर जहां पर समाधियां बना गई है बना दी गई है उस व्यक्ति के अवशेष उस व्यक्ति की हड्डियां उस व्यक्ति के राख वगैरह वहां पर डाल दी गई है और बिल्कुल वो जरूरी था दुनिया की नज़र में किसी को दफनाना जरूरी है मरने के बाद बिल्कुल वो कब्र बिल्कुल ज़रूरी है वो समाधि बिल्कुल ज़रूरी है लेकिन लोग उस शरीर में उस कब्र को आज भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं खैर जैसा जिसका विश्वास मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन हमारे यीशु मसीह ने क्या कहा यह मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं है तुम जो काम मिराकल्स देख रहे हो यह शरीर कर रहा है लेकिन भैया आत्मा जीवनदायक है कोई है जो कहेगा मैं नहीं तो मेरा शरीर है तो मेरी बॉडी है मेरे बॉडी से मैं अपना काम करूंगा लेकिन तुम्हारी बॉडी से भी तुम्हारे जीवन से भी काम होना चाहिए और वो काम कैसे होगा वो काम एक विक्टोरियस लाइफ कैसे मिलेगी वो काम होगा पवित्र आत्मा से क्योंकि आत्मा जीवन देता है आत्मा जीवनदायक है शरीर का कुछ लाभ नहीं और जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है जो आत्मा कही जा रही है जो बातें कही जा रही है यीशु मसीह ने कहा वे आत्मा है और वे जीवन है कोई है जो कहेगा मैं यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूं चलिए आपने वो जीवन ले लिया लेकिन वो जीवन कौन सा जीवन आत्मा से भरा हुआ जीवन एक वाला जीवन ले लिया हमने। है मेरे साथ अपने हाथों तो को उठाएगा और कहेगा जय मसीह की मेरे भाई मेरी बहन में आपको ऐसा जीवन बताना चाह रहा हूं जिसमें वही काम जो यीशु मसीह ने किए थे इस दुनिया में और उसने वो अधूरे नहीं किए उसको जो करना था उसने कर लिया लेकिन मेन काम उसका कुछ और था ये काम तो आप और मैं भी कर लेंगे लेकिन उद्धार तो उसी के उसी मेमने के लहू से मिल सकता था ना जो आपके मेरे पापों के लिए निर्दोष था और वो केवल खुदा का बेटा ही हो सकता है तो यीशु मसीह उस काम को अंजाम देने के लिए आया उसने उस काम को पूरा किया और यीशु मसीह मृत्यु हो गई जिंदा हुए और फिर स्वर में उठा लिए गए लेकिन वो वाले काम जो यीशु मसीह ने शुरू किए सुसमाचार अब गैर मसीहों में भी अविश्वासियों में भी जिनको यीशु मालूम नहीं उनमें भी होने जरूरी है उनको विश्वास करने के लिए कोई चिन्ह चाहिए चलिए उनके लिए आश्चर्यकर्म बीमारों को स्वस्थ करना दुष्ट आत्मा को निकालना अशुद्ध शक्तियों को बांधना यह जरूरी था ये कैसे होगा यीशु ने कहा आत्मा जीवन देता है मैं जाऊंगा लेकिन मेरा आत्मा आएगा ना और वही आत्मा तुम्हें एक और तो यीशु मसीह ने कहा मार सकते जीवन में हूं वो चलो क्रिश्चियन लाइफ तो हो गई लेकिन नाउ क्रिश्चियन पावरफुल लाइफ क्रिश्चियन लाइफ मसीह जीवन लेकिन सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन मसीह जीवन लेकिन पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ जीवन को है जो कहेगा अमेन और यीशु ने कहा कि वो जीवन में देना चाहता हूं आत्मा जीवन देता है उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया आत्मा जीवन देता है कुछ और संदर्भ अगले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं तब तक के लिए अलविदा प्रभु आपको आशीष दे